नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बीजेपी जितनी मेहनत से जमीन पर चुनाव लड़ती है, उतनी ही मेहनत से वो सोशल मीडिया पर सियासी जंग लड़ती है। और सोशल मीडिया के धुरंधरों में एक नाम है तजिंदर पाल सिंह बग्गा का, जिन्हें बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में हरिनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए। लेकिन हार के बावजूद उन्होंने अपने समर्थकों को निराश नहीं किया। बग्गा चुनाव भले ही हार गए, लेकिन अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो वादा किया था, उसे हार के बावजूद पूरा करने का वादा किया है। देश ने ऐसे नेताओं को भी देखा है जो चुनाव हारने के बाद दोबारा अपने क्षेत्र में झांकने तक नहीं जाते। वहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे नेता ने अपने क्षेत्र की जनता से किया वादा निभाने की बात करके एक मिसाल पेश की। हार कर भी वादा निभाएंगे बग्गा। आप उम्मीदवार राजकुमारी ढिल्लन से चुनाव हारने के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जनता से किया वादा निभाने की बात। बग्गा ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई दी। फिर एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। हरिनगर विधानसभा के सभी मतदाताओं का और सभी कार्यकर्ता मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और लिखा, अगले 30 दिनों में हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए निशुल्क सेल्फ डिफेंस कोचिंग सेंटर खोलूंगा। मेरे घोषणा पत्र में ये मेरा वादा था। मैं हार गया, लेकिन अपनी खुद की क्षमता से लोगों के लिए वादा जरूर पूरा करूंगा। हार के बावजूद बग्गा ने जब लोगों से वादा निभाने की बात की, तो ट्विटर पर भी तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। ट्विटर यूजर नरेंद्र मोदी फैन ने लिखा, कई आप विधायक 2015 में जीत कर भी अपने लोगों से मिलने पूरे 5 साल में 2 बार भी नहीं गए, पर यह है भाजपा के संस्कार। हार कर भी बग्गा जी अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे हैं। ट्विटर यूजर श्वेता ने लिखा, हमारे और उन लोगों में यही अंतर है, हम आपके साथ हैं सर, सल्यूट। ट्विटर यूजर प्रमिला ने लिखा, स्मृति ईरानी से सीखना चाहिए, अपना क्षेत्र मत छोड़ो, 5 साल लगे रहो, जीत जरूर मिलेगी। ट्विटर यूजर अभिषेक ने लिखा, सर आप चुनाव हार गए, लेकिन दिल जीत लिए। मैं पश्चिम बंगाल का वोटर हूँ, उम्मीद है 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में आपको जरूर देखूंगा। ट्विटर यूजर निखिल रस्तोगी ने लिखा, दिल्ली के मुफ्तखोर हिंदुओं देख लो, यदि तुम बीजेपी को वोट दे देते तो तुम्हें कैसा नेता या मंत्री मिल सकता था, मगर नहीं, तुम्हें तो 200 यूनिट बिजली और फ्री कीचड़ वाला पानी पीना है ना, पियो। राजकुमारी ढिल्लन से हार गए बग्गा। बीजेपी उम्मीदवार तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए खूब मेहनत की थी। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वोट मांगना नहीं भूले। आपके कार्यालय में घुसकर बग्गा ने वोट मांगा, लेकिन इसके बावजूद बग्गा चुनाव हार गए। हरिनगर सीट पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। आप उम्मीदवार राजकुमारी ढिल्लन ने सीट से बड़ी जीत दर्ज की। राजकुमारी ढिल्लन को 58,087 वोट मिले, तो वहीं बग्गा को 37,956 वोट मिले। बग्गा की हार और ढिल्लन की जीत में 20,000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर रहा। लेकिन हार के बाद भी बग्गा ने चुनाव के दौरान किया गया वादा निभाने की बात की। बग्गा के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बड़ी खुशी की बात है कि केजरीवाल जी जो है ने जो मेहनत करी थी वो दिल्ली वासियों ने मतलब पसंद करी है। उस मेहनत को जो भी जो काम किए उन्होंने, जितना मतलब उन कर सकते थे वो काम, उतना काम उन्होंने किया है। और आगे हम चाहेंगे कि आगे भी वो दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करें और 5 साल को इस तरह कर दें कि आने वाले और 5 साल उनके बने। और आम जनता है, नौकरी, बेरोजगारी, करप्शन, इन सब चीज़ों पे काम करे। और बिजली पानी की जो उन्होंने कहा कि भाई हम आगे भी सुविधा देंगे, महिलाओं को सुविधा देंगे आगे बसों में, और मेट्रो फ्री कराएंगे, और भी बहुत सी योजनाएं जो उनकी हैं कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, तो इस तरह की अगर बातें अगर वो कंप्लीट करते हैं अपनी बात को, अपनी बात पे अगर कायम रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल लोगों के लिए अच्छे बीतेंगे दिल्ली वालों के लिए, और उम्मीद भी है उनको, उनसे लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए सर, ऐसा है कि मुफ्तखोर वाली बात एक अलग है, लेकिन क्या होता है कि एक गरीब आदमी है ना, उसका अपना बजट होता है, तो अगर उसके बजट में अगर उसको कुछ फ़ायदा होता है तो वो चाहता है कि ऐसी सरकार आए जिसमें मेरा बजट थोड़ा सा सुधरे। हर आदमी चाहता है इस चीज़ को। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे जो ट्वीट किए हैं?
नहीं, सुधीर चौधरी जी वैसे एक अच्छे बड़े पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, और उन्होंने भी कहते यही कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी ही का रुझान ज़्यादा है, क्योंकि जनता भी देखती है, क्योंकि बीजेपी का हारने का कारण क्या है, बीजेपी हारने का कारण क्या है कि 20 साल से तो बीजेपी है नहीं, कहते हैं दिल्ली में, तो बीजेपी किस मुद्दे पर कहते हैं जो है चुनाव लड़ेगी, जीतने के लिए कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। 20 साल में सेंटर में जरूर है, बीजेपी सेंटर में काम किया है, लेकिन दिल्ली में वो नहीं था, इसलिए क्या लगा हुआ है? नहीं नहीं, देखिए शाहीन बाग का ये मुद्दा एक अलग है, वो देश का मुद्दा है, वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, वो राष्ट्र का मुद्दा है। उसके लिए अगर कहते बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर कोई कदम उठाया है तो वो अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन दिल्ली को उन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी को काम अपना जमीन स्तर पर काम करने के लिए भी कुछ चाहिए ना। ये सिर्फ विकास जो दिल्ली का हो रहा है, जो भी मतलब उम्मीद है लोगों को, उसी मुद्दे पर ही लोगों ने वोट दिया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे विकास पे जीती है, काम किया है उसने बढ़िया, लोगों को शिक्षा बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया किया है, पानी बिजली सब बढ़िया है जी। और जो कहते हैं ना कि मुफ्त मुफ्त, तो वो खा रहे हैं जो नेता बैठे हैं, ये क्या खा रहे हैं? हम लोग जो पब्लिक को क्या मिल रहा है, पब्लिक को उसने जो दिया है, जो टैक्स मिले हैं उनसे उन्होंने थोड़े थोड़े हम लोगों को वापसी किया है। वो तो बीजेपी के हैं जी, जो वो तो बोलेंगे, पार्टी वाले तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, तभी दिल्ली की जनता उन्हें पूरी बहुमत दी है। तो मुफ्तखोर वाले बयान पे क्या कहना चाहेंगे? मुफ्तखोर नहीं है जी, मुफ्तखोर कहाँ किया है उन्होंने, बढ़िया किया है जी, बस हमारा इतना ही कहना है। देखिए ये जो जीती है दिल्ली सरकार, ये ईमानदारी पे जीती है, ठीक है, काम पे जीती है। बेरोज़गारी जो हमने आवाज़ उठाई थी, वो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम केजरीवाल को जिताए, ठीक है, और हमें इस चीज़ को सहयोग करना चाहिए कि ऐसे ही ईमानदार पार्टियों को और भी जगह और राज्य में भी हम दें, काम के ऊपर वोट दें अपना। ये मुफ्त खोरी नहीं है, ये जनता का सेवा है। जो प्रधान होता है वो क्या क्या होता है? जनता के लिए होता है, जो जनता को हम जितना हो सके सेवा दें उसको, जो कर होता है हम कर देते हैं उसका हमें लाभ मिलता है, वो मुफ्त खोरी नहीं है। देखिए ये एक मुद्दा है, अपना एक मुद्दा आदमी एजेंडा लेके उठता है, कहता है, ये गलत है, सियासत है, ये मुफ्तखोरी नहीं है। इसमें तो मीडिया बिकी हुई है, मीडिया जी न्यूज़ वाले ने दिखाया, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब गलत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल जी की सरकार बनी है और जो मैंडेट दिया है वो जनता ने दिया है, तो हमें जनता का जो भी उनका रिजल्ट है वो हमको मानना पड़ेगा। केजरीवाल जी जीते हैं वो ठीक है, पर केजरीवाल जो जीते हैं, एक तो दिल्ली में कम वोटिंग पड़ी है, अगर ज़्यादा वोटिंग पड़ती तो शायद रिजल्ट दूसरे ही होते, पर हम जो हैं अपने देश के साथ हैं, केजरीवाल जी के साथ अब भी नहीं है। क्यों? केजरीवाल जी जो है फ्री की राजनीति करते हैं, फ्री की राजनीति, और अगर अपने मैं अगर मेरे को वो 10,000-20,000 भी फ्री देंगे ना, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को नहीं बेच सकती, मैं सेना के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। हमारी सेना के लिए अगर हमें अपनी जेब से 20,000 भी देना होगा ना, हम वो देंगे। क्यों? हम आज जो आपके साथ बात कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, वो अपनी सेना के वजूद पर ही खड़े हैं, तो इसीलिए मैं केजरीवाल जी की जीत, जनता जो जनता ने मैंडेट दिया वो जीत है, पर फ्री की राजनीति ये करना, ये बंद करना चाहिए इनको। जो ज़रूरतमंद है, बिल्कुल गरीब तबका जो ज़रूरतमंद है उसको दे कोई, पर हर किसी आदमी के लिए। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया और जो केजरीवाल जी है ना, ये महिला पुरुष को जेंडर को ही बांट रहे हैं। महिलाओं के लिए फ्री है, महिलाओं के लिए बस फ्री, तो जेंट्स और सीनियर सिटीजन या विद्यार्थियों के लिए क्यों फ्री नहीं? चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, जो भी हो। तो मैं केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, केवल इसलिए कि शक्ल देख के नहीं, केवल फ्री की राजनीति, और लोगों को मेहनत करना नहीं सिखा रहे। वो कहते हैं बैठ के खाओ, फिर कहते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार कैसे होगा जब तुम फ्री का खा रहे हो? तो फ्री का खाना सिखा रहे हो तो क्या करेगा आदमी? सोएगा और क्या करेगा? तो इसीलिए हमेशा हम जो खड़े हैं अपने देश के साथ खड़े हैं, वो भी माँ के लाल हैं जो देश में जान दे रहे अपने को बचाने के लिए। अगर ये चाहते कि आज पाकिस्तान वाला हाल हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो, तो आप ये सोचो ये जल्दी बन जाएगा अगर यही राजनीति रही तो। और जब दिल्ली में पाकिस्तान बन जाएगा तो क्या करोगे आप बताओ? अगर मेरे साथ आज ये होने लगे जो पाकिस्तान में बहन बेटियों के साथ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पर जब तक हमें होश आएगा ना, तब तक हमारा दिल्ली का देश बिक चुका हो। इसलिए हमें आज ही जागरूक होना चाहिए, अपने फ्री के 1,000 रुपये, 2,000, 10,000
फ्री की राजनीति के चक्कर में देश ना बांटे, हम देश से देश ना।